अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि अभी मैं जा रही हूँ किधर, होम टाउन ना, होम टाउन जा रही हूँ मैं। कुछ मुझे सामान खरीदना है, जैसे कि मुझे मीट ग्राइंडर खरीदना है ना, मीट ग्राइंडर खरीदना है। और कुछ मुझे बर्तन चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है रमज़ान आने वाला है ना, तो मुझे रेसिपी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो सामान लगेगा ही। ऐसा तो माशाल्लाह मेरे पास सब कुछ है, फिर भी इतना रहने के बाद में भी ऐसा लगता है कुछ तो कमी है। हाँ, मेरे पास में मीट ग्राइंडर नहीं है, है ना। मीट ग्राइंडर रहने से क्या होता है ना, हम कबाब वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, और जैसे कि ये सीख वगैरह भी बना सकते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी है ना, तो ऑनलाइन जो मंगाई थी ना, तो वो ज़्यादा दिन तक का चला नहीं, और उसका जैसे कि ना अच्छी बेस्ट क्वालिटी का नहीं था वो, है ना। उसकी क्वालिटी थोड़ा लो थी और वो ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, जैसे कि 6 से 7 महीने में वो ख़राब हो गया। तो इसीलिए मैं अभी चाहती हूँ कि मैं हाई क्वालिटी का और अच्छा वाला लूँ, कि मतलब जो लाइफ टाइम तक का चले। तो अगर वहाँ पर अगर मुझे नहीं मिला होम टाउन में, तो शायद मैं कल या परसों में आरसीटी जाऊँगी, है ना। आरसीटी में भी ढूंढूंगी, तो देखते हैं कहाँ पर मुझे मिलता है और मैं क्या चीज़ें लेके आती हूँ, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ में। और माशाल्लाह सारा काम मेरे घर का हो चुका है। तो जैसे कि मैंने दोपहर में बनाई थी मच्छी का सालन और खिचड़ी रोटी, है ना, और ये है दाल का ये बर्फी, चने की दाल की बर्फी मैंने बनाई। उसे डब्बे में रखना है, मगर मुझे रखने टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रख दी हूँ। और जैसे कि बर्तन भी अभी धोके हो चुके हैं, मगर बर्तन लगाना बाकी है। मैं क्या करती हूँ ना, डायरेक्ट बर्तन लगा नहीं देती हूँ, धोने के बाद मैं उसको 3 से 4 घंटा पंखे के नीचे ऐसे ही रखती हूँ कि उसका पानी सारा निकल जाए। उसके बाद में मैं हमारे किचन में रखती हूँ बर्तन। अगर कभी भी आप गीले बर्तन अगर रख देंगे ना, तो क्या होगा मालूम, कि जो काकरोच होते हैं ना, बोलते बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे किचन में काकरोच हो गए। काकरोच होने का कारण यही रहता है कि आप गीले बर्तन अपने कॉली में डालते हो। ऐसी कॉली में अगर आप गिले बर्तन डालोगे तो जरूर ही कॉकरोच होगे। इसलिए कभी भी बर्तन को 3 से 4 घंटा हवा के नीचे रखिए, सूखने के बाद में बर्तन डालिए ना। एक टिप दे दी मैंने आपको मेरे ब्लॉग के साथ में, तो चलिए आप लोग मेरे साथ में। ताला लिया तो चलो अभी हम लोग इधर आए थे, अभी इधर से जा रहे हैं। इधर तो मुझे मीट ग्राइंडर नहीं मिला, तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी देखते हैं आरसीटी जाते हैं या पीजे सेल्स जाते हैं। दूसरा सामान लेने आए थे, लेकिन ले लिए दूसरा सामान। नहीं, ये भी लेने का था, ये भी लेने का था क्या। चलिए अभी चलते। काम में कुछ मिला है नहीं अपन को, तो जो चीज़ लेने आए थे विजय सेल से भी नहीं मिला, होम टाउन में भी नहीं मिला। अभी हम लोग आए आरसीटी, आरसीटी बंद हो चुका है पूरा। हम लोग ने बस इतना ही सामान दिए, इतना तीन तीन जगह घूम के। आज अम्मी और मैं अकेले घूम रहे थे हमारी। निकल करने का ना इधर से। ध्यान
क्या बोल रहे थे, सामान ही नहीं मिला, जो लेने आई थी वो चीज मिली नहीं। तो पार्किंग भी इतना लंबा है, एकदम लंबा पार्किंग में जाने का। अब मिक ग्राइंडर मिला ही नहीं, मिक ग्राइंडर उसको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं, हमारे उधर दुकान वाला है, पूरा नंबर लेके आता हूँ, देखते उसको क्या बोलते हैं। सब जगह मिलता नहीं है, क्या मिलता होता है। थक गई मैं, काम भी करी थी आज और थक भी गई आज। मीट ग्राइंडर के बगैर रमजान में कबाब भी बहुत बनाने को नहीं चलते ना। मिक्सर में भी पीस सकती हूँ, मगर मिक्सर की वाटी क्या ना खराब हो जाती है। तो इधर हमने हमारी गाड़ी पार्क किए है, इधर गई इधर है, इधर है हमारी गाड़ी, ये रही हमारी गाड़ी। चलो सुस्ती आ रही है अम्मी को, कौन सी? अच्छा कुआरा, जाके घर पे बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब ने देख लिए कि मैं गई थी, कितना कहते होम टाउन, होम टाउन गई थी। होम टाउन में मुझे चाहिए था मीट ग्राइंडर, मगर वहाँ पर नहीं मिला। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर जो मुझे फ्राई पैन वो सब ले लिए ना, वो सब लेके मैं फिर चली गई आलसिटी। आलसिटी मॉल में भी मैं ढूंढी तो मुझे नहीं मिला। और कहाँ गए थे उसका सपन? विजय सेल में भी नहीं मिला। तो आसिफ ने अभी ऑनलाइन मंगाया है, बुकिंग किया है ना, तो अभी हो गया है। अभी आज का दूसरा तीसरा दिन है, मुझे वीडियो कंटिन्यू करने के लिए मिला नहीं था। तो मैं बोली चलो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता करी, है ना। तो इसकी रेसिपी जो है आपको मेरे अफरोज किचन पर देखने मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। ये बहुत ही बेहतरीन बनता है कोफ्ता करी, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो जैसे कि मैं सुबह उठ गई, सुबह उठने के साथ ही हम लोगों का नाश्ता हो गया, चाय रोटी वगैरह सब हो गई। उसके बाद में फिर मेरा क्या काम है, मैं रेसिपी बनाना अपना स्टार्ट कर दी हूँ। क्या आप इन लोगों का भी के लिए भी काम करना है, आप लोगों के लिए भी काम करना है। उसके बाद में अभी हमारा रेसिपी हो जाने के बाद में मैं करने वाली हूँ थोड़ी किचन की साफ सफाई। जैसे कि आप सबको पता है रमज़ान की मुझे बहुत ही, मतलब रमज़ान बोले तो बहुत मुझे बहुत खुशी होती है ना। रमज़ान का एक महीना माशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना से, क्योंकि वो वक्त जो ऐसा होता है ना रमज़ान का एक महीना, घर में जो रौनक होती है ना, एक महीना घर में कुछ अलग ही रौनक होती है, अलग चमक होती है। आप लोग गौर करना, अगर मेरी बात आपको ऐसा लगेगा कि आप, तो आप लोग एक बार गौर करना, आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि सब एक साथ होते, इफ्तारी करते, सहरी करते, है ना, बहुत मज़ा आता है ना। तो अभी किचन की साफ़ सफाई होगी, तो आज जुम्मा भी है, है ना, आज जुम्मा भी है। चलिए अभी तुम्हारे भाई गए जरा काम से बाहर, अभी आएंगे, है ना। तो हमें कुछ सामान लाने भेजी हो पुतला, तो आएंगे तो फिर उसके बाद में हम लोग साफ सफाई दोनों जन मिलके करेंगे। जब तक का मैं हमारे कोफ्ते बना लेती हूँ। हम लोग बोलते लड्डू, आज तक उसको बोलता था अड्डू अड्डू। आसिफ आसिफ छोटा था तो क्या बोलता था आसिफ, तू अड्डू अड्डू बना रहे मम्मी, अड्डू बना रहे मम्मी, आका आका। आसिफ जब छोटा था ना तो पहले ज्यादा करके क्या बोलता था, आसिफ बहुत लेट बात करने लगा है ना जी, खाली आसिफ यही बोलता था आका। और आसिफ को ना हम लोग जब भी, आसिफ का वो 2 साल का क्या 3 साल का, 3 साल का बर्थडे था, तो मैं आसिफ को लेके गई थी एक्सलवर्ड लेके गई थी। तो ना वहाँ पे जाने के समय ना मैंने काजू ली थी, खाली काजू। तो उसको कोई भी पूछता था ना, तू किधर जाके आया, तू किधर जाके आया, मेरी अम्मी लोग पूछने के ना, तू किधर जाके आया, तो क्या बोलता था, उसको आता नहीं था ना एक्सलवर्ड बोलने के लिए, तो बोलता था झूला पानी काजू। क्योंकि उधर पे जो एक्सलवर्ड में झूला भी था, पानी भी था, और काजू लेके गए थे हम लोग ऐसे खाने के लिए, तो नमकीन काजू साथ में। तो उसको काजू खाया था ना, तो उसको उतना ही याद था, मतलब बोलता था कि झूला पानी काजू, मतलब हम मैं उधर घूम के आया, झूला पानी काजू में घूम के आया, ऐसा बोलता था।
अभी देखो कितना बड़ा हो गया, बदमाश हो गया, बदमाश अच्छे बदमाश हो गया है। चलिए अभी बना लेते खाना वाना खा लेते, फिर साफ सफाई चालू करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। चालसा टाइम तुम लोग खाते, माँ बेटे हम लोग एक ही टाइम खाना खाते। ये क्या, ये कौन सा सवाल है? यहाँ मेरा साथ चुका है। अच्छा अच्छा, बोला मम्मी। हाँ बोला, साथ चुका है यहाँ पे, अभी खाना खाने बैठे हैं। माइकल ला, देखो अभी बैग रहे खाना खाने के लिए। तो ये देखिए अभी रेसिपी शूट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं चावल बना चुकी हूँ, इसमें रोटी है, और ये है हमारे कोफ्ते, तो कोफ्ते रहेगा, और साथ में आमरस, मस्त आमरस खाएंगे, मजा बनाएंगे, साथ में सलाद, नींबू, प्याज। फिर भी खाना खा लेते, फिर बात मिलते, फिर नहीं नहीं तीन है ना, वाटी भी तीन लिया मैंने। तो चलिए यहाँ पर मेरी चालू है किचन की साफ़ सफाई। तो जैसे कि मैं हमेशा जैसे कि पूरा घर साफ़ करती हूँ, तो अभी मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि बाजू में एकदम जस्ट एकदम बाजू में ही काम चालू है। तो अभी मुझे तो लगता है और कम से कम 3-4 महीना जाएगा, है ना। ये देखिए कितनी धूल हो गई है, ये अवन के पास की लादी है ना, इसके ऊपर आसिफ ने मेरा नाम लिख दिया फिरोज, है ना। तो चलिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का ही आज साफ सफाई करके ले रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ जैसे कि किचन को साफ। तो पहले मैंने थोड़े बर्तन वगैरह जो किचन के ऊपर के थे वो धो दी, वो धो के सब मैंने हटा दी। उसके बाद में फिर मैंने करी ये गैस को धोई। हाँ अभी मैं थोड़ी आज काफ़ी थकी हूँ, जब मैं वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ तो आज का दिन है दूसरा, है ना। तो काफ़ी थकी हूँ, थक के अभी मैंने खाना खाई, खाना खा के आज मैं बैठी हुई हूँ। आज मैंने खाने में बनाई थी दाल गोश, और खूब पेट भर के खाई हूँ बहुत मज़े से, और बहुत टेस्टी बना था। दाल गोश की रेसिपी देखनी है आपको क्या मैं कैसे बनाती हूँ, तो अपलोड है अफरोज किचन पे, अफरोज किचन पे आप लोग देख सकते थे। चलिए अभी टाइल्स वगैरह धो लेती हूँ, पूरा धोने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है ना। तो चलिए चलिए अभी मेरा सारा काम हो चुका है। तो साथ में तुम्हारे भाई भी लगे हुए थे मेरे, और अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे थे आसिफ? 11:30 बज रहे थे कुछ, 11:30 बज रहे थे, 11:30 नहीं ज़्यादा हो गया था। हाँ 11:30 आएगा, रुको अभी आएगा देखेंगे। हाँ भाई नहीं 11:30 12:15 बजने आए थे, 12:15 मेरा काम ख़त्म हुआ, और मुझे बीच में थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैंने भेल भी मंगा के थोड़ा खा लिया ना। तो उसके बाद मैं सारे डब्बे वगैरह में मैं सब मैं दाल वगैरह भर के रख देती हूँ, क्योंकि सामने ही रहती है तो मुझे निकालने करने के लिए आसान पड़ जाता है। अभी मुझे जाना है डिमांड से काफ़ी राशन भराना है ना, क्योंकि घर का पूरा राशन ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना पीना खा के भी हो चुका है, काफी थक चुकी हूँ मैं। आप लोग अम्मी का चेहरा देख के समझ रहे रहेंगे। अभी बज रहे कितने बजे लगे अभी तो 1:00 अभी 1:00 जाके खाना पीना सबका हो गया, किचन भी पूरा साफ हो गया, किचन को भी पूरा धो दी मैंने, क्योंकि रमजान में अभी ज्यादा रेसिपी वगैरह सब शूट करना रहेगा। अच्छा साफ हो गया है सब, बहुत धूल बैठ गई थी, बहुत धूल बैठ गई थी इसके ऊपर सब पे, तो ये अच्छे से मैंने पूरा साफ करके ले ली।
है ना। तो चलिए अभी अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना इस तरह की अच्छे अच्छे। अभी भी कल कोटमाला साफ करने का है, तो कोटमाले का भी ब्लॉग निकलेगा। अभी मेरे को बोलने को भी ताकत नहीं थी, थक गई। अभी मम्मी को थक गए, चले अभी हम लोग सो जाते हैं। वैसे में भी शूट किए, कोफ्ता बनाए थे वो। हाँ, चावल कोफ्ते बनाई थी, उसके बाद में फिर ये पूरा निकाल के साफ की, फिर ये पूरा ऊपर का, कल तो फ्रिज वगैरह सब साफ की थी। हाँ, स्टोरी पे दिखाया ना सुबह। नहीं, इसमें दिखा, सुबह दिखाया ना। तो फ्रिज कल साफ किए थे बहुत, उसके पहले बाथरूम और घोड़ी साफ की। यहाँ लगातार 4 दिन से काम ही चालू है। तो चलिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो।